पवन, जिप्सी और नैना। नैना सुंदर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन और गुड मॉर्निंग शिमला। भाई साहब रात में है, इतनी बारिश, इतना तूफान आया ना, मैं ऊपर माल रोड पे था, इतनी गंदा तूफान आया ना, इतनी तेज से हवा चलने लग गई थी और इतनी बारिश हुई है ना, इतनी बारिश और ठंड, पूछो मत, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना। अगर कोई यहाँ आने की प्लानिंग कर रहा है ना, अपने विंटर्स के सारे क्लोथ्स लाए और जैकेटें वगैरह जरूर लाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। जब मैं माल ऊपर माल रोड पे जा रहा था ना, तो इतनी ठंड हो गई थी ना वहाँ, बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम तो आए सीधा अपने रूम में और आकर के सो गए। और अभी मैं अपने होटल मैंने जो लिया है वो लिया मैंने शिमला में है महावीर B&B, और उसके अभी टेरिस पे हूँ। टेरिस से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, आप वो पीछे देखो, वो सारे माउंटेन्स के ऊपर आइस है और क्लाउड्स है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है क्लाउड्स जो आपको दिख रहे हैं ना, वो कल सुबह मेरे यहाँ थे, होटल के विंडो से मैंने दिखाया था आपको, लेकिन मेरे नहीं, मेरे दूसरे रूम के विंडो से। और बाकी ये नीचे देखो, ये सारे यहाँ के लोकल्स का घर है। बहुत ही सुंदर व्यू है यार, बहुत ही अच्छा है ना। और यहाँ पे देखो सारा, अभी तो ये पॉल्यूशन हो रहा है, बाकी यहाँ पे ना ये व्यू वो थे, पॉल्यूशन वो आया हुआ था, क्लाउड्स थे जहाँ पॉल्यूशन दिख रहा है ना आपको। और इधर ये देख रहे हो ना आप व्यू, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। कहीं कहीं धूप पड़ रही है, कहीं कहीं नहीं हो रहा। और बाकी अभी मैं जा रहा हूँ कुफरी के लिए, कुफरी में देखते हैं कैसे है, लेकिन बारिश हो रही है, आप जैकेट में देख सकते हो बारिश हो रही है। और अभी देखते हैं कुफरी में कैसा है, मैं कुफरी की वीडियो बनाऊंगा। जो भी सब व्लॉग बन रहे हैं आपको नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। इस बार मैंने अच्छा ट्राई करा है, अच्छा दिखाने का ट्राई करा है, बाकी देखते हैं आपको पसंद आते नहीं आते हैं। सो मिलते हैं अब कुफरी में, बाय। अभी तो हम जा रहे हैं नारकंडा और बहुत ज्यादा ठंडा है। अगर आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हो तो वो देखो, सब जगह बर्फ ही बर्फ है। अभी बस हम टी ब्रेक वगैरह के लिए रुके हैं, उसके बाद देखते हैं, वो देखो बर्फ ही बर्फ, बहुत ज्यादा बर्फ है। मैं अपने कपड़े भी पहने हैं, लेकिन मेरे को जो जैकेट है वो भी पहनी है, उसके बाद भी मेरे को ठंड लग रही है। और सब जगह बर्फ ही बर्फ है, वो देखो मेरे पीछे, वो देख रहे हो वहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर देखो दूर दूर तक। अभी हम जा रहे हैं नारकंडा, नारकंडा में तो कह रहे कि बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी और मुझे बहुत ठंड लग रही है इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा बर्फ है यार। कोई भी अगर आने की प्लानिंग कर रहा है तो अपने विंटर्स क्लोथ जरूर लाए अपने साथ। बाकी सीरियसली बता रहा हूँ, मज़ा बहुत आया यार, सीरियसली मज़ा बहुत आया। अच्छा एक चीज़ और, मैं बार बार स्क्रीन पर देख रहा हूँ, मुझे लेंस पर देख रहा था, प्रैक्टिस नहीं है ना, बट हो जाएगी। ठंडे हो चुके हैं और ये देखो कितनी बर्फ है दुनिया भर की, मज़ा आ गया एकदम। ये अभी हम नारकंडा की तरफ जा रहे हैं ना, तो वहाँ उस वाले रास्ते में पड़ता है। yeah! और मैं अभी आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, दोबारा आ जाऊँ। नीचे तक देखो, वहाँ नीचे देखो कितना, कितनी बर्फ ही बर्फ है दुनिया भर की। और वो देखो सारे क्लाउड्स है, जो हमें लग रहा है दिल्ली का पोल्यूशन नहीं, वो क्लाउड्स है, पूरा बर्फ ही बर्फ है ये देखो। लेकिन हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। चलो मिलते हैं फिर नारकंडा में। सोच ही रहा था, और देखो नारकंडा में मैं आ चुका हूँ नारकंडा, और यहाँ स्नोफॉल के लिए, और स्नोफॉल हो चुके हैं देखो मेरी जैकेट के ऊपर, ये देखो स्नोफॉल हो रही है सारी। बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ही अमेजिंग। मैं यही सोच रहा था स्नोफॉल हो ही गई है, इसे बोलते हैं लक। स्नोफॉल देखने स्नोफॉल भी हो गई, और बर्फ तो वैसे भी देख ली थी मैंने, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। सो मिलते हैं, अभी दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो बर्फ ही बर्फ है।
पॉज करो। आपको मैं दिखाता हूँ अभी नीचे क्या हाल है। ये देखो नीचे बर्फ ही बर्फ, कितनी बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ दुनिया भर की। लेकिन शूज स्लिप हो रहे हैं, ध्यान से आना अगर जो भी आएगा। देखो ऊपर तक सारे में स्नो ही स्नो है, और इवन अभी मैं सोच ही रहा था ना स्नोफॉल के लिए, स्नोफॉल भी हो गई है। ये देखो, और इसको हम ऐसे बहुत खेल रहे हैं, स्नोफॉल भी हो रही है। ये देखो यहाँ से ठंड नहीं है, मगर ठंड नहीं है, सिर्फ हाथ ठंडे हो रहे हैं वो भी बर्फ पकड़ने से। ठंड नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, आना चाहिए नारकंडा में। कोई भी आएगा यहाँ जरूर आना, ठीक है। अब मिलते हैं, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। अभी अभी पता है क्या, मेरे को ना बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये शूज ना मेरे भी अब स्लिप हो रहे हैं। यहाँ पे मिट्टी के ऊपर है ना, कीचड़ हो गया यहाँ पे, ये प्रॉब्लम आ रही है ना। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यार, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ज्यादा ठंड है, मेरे को तो बहुत ही ठंड लग रही है। अब एक्चुअली ना हवा चल गई है, पहले हवा नहीं चलती थी, ठंड नहीं थी इतनी, स्नोफॉल भी हो गई, मजा आ गया यार, बहुत ही अच्छा लगा यार। आना चाहिए सबको, आना चाहिए नारकंडा। अमेजिंग है यार, मजे आ गए, मतलब देखना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। और यही है भाई जिंदगी के मजे, आगे जाऊं नहीं जाऊं समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही अमेजिंग है यार। स्लिपरी काफी है एक्चुअली। क्या मेरे तो ये वाले शूज है, वुडलैंड के हैं, इसमें मेरे को नहीं पता चल रहा हाथ पैर मेरे कुछ गीले नहीं हो रहे हैं। सॉरी हाथ पैर कह रहा हूँ, पैर मेरे कोई गीले नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाकी सब नहीं आ रहे क्योंकि उनके शूज स्पोर्ट्स शूज है, वो गीले हो रहे हैं। लेकिन बर्फ ही बर्फ है, ये देखो बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है यार, बर्फ ही बर्फ। अभी मैं नारकंडा में हूँ, हम यहाँ रेस्टोरेंट में रुके हैं टी ब्रेक वगैरह के लिए, और बहुत ही अमेजिंग व्यू आप मेरे पीछे देख सकते हो, सारा पूरी बर्फ ही बर्फ है यार। हल्की सी अभी मुश्किल से 20 या 25 सेकंड के लिए स्नोफॉल हुई थी, लेकिन बहुत ही अमेजिंग था यार मेरा। मैंने आज तक सीरियसली मैंने आज तक कभी बर्फ पड़े हुए भी नहीं देखी थी, इवन स्नोफॉल भी नहीं देखा था। सो आज वो मैंने देख ही लिया। इसलिए मैं जब लास्ट ट्रिप कर रहा था ना शिमला वाला, शिमला से धर्मशाला गया था मैं, शिमला से कुफरी जाना था, लेकिन मैं गया नहीं था कि मेरे को नेक्स्ट टाइम यहीं पर ही आना है। मजा आ चुका है, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। नारकंडा में तो मैं आ चुका हूँ, मैंने बोला था, मैं पहले भी मैंने यही सोचा था, मैं जब शिमला गया था, शिमला से वहां से धर्मशाला में मेरा मैप ऑन है, मैप में आ चुकी है रिकॉर्डिंग सारी, जो भी मैप अभी बता रहा है। सो आप तो मेरे पीछे देख ही रहे हो, बर्फ ही बर्फ है, बहुत ही अमेजिंग व्लॉग है ये, तो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। देखो नीचे कितनी बर्फ ही बर्फ है, दुनिया भर की बर्फ, गिलासों से ज्यादा यहाँ पे है। ये देखो सारी बर्फ ही बर्फ है ये। खैर मेरे तो शूज इसमें गीले नहीं हो रहे हैं, सॉक्स वगैरह अंदर। यहाँ देखो बहुत ही ज्यादा बर्फ है यार, लेकिन ठंड लग रही है, लेकिन कम लग रही है। ये देखो वहां देखो, अगर आपको रिसेंटली की अपडेट चाहिए मैं कहाँ पे हूँ, ये आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दिखेगा। सो यहाँ कहीं देखो ना स्क्रीन पे शो रहा होगा साहिल मेसी 199, आप जाकर के मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ पे आपको मेरी करंट अपडेट, रेगुलर अपडेट सब मिलती रहेगी। हाथ तो मैं बाहर निकालूंगा नहीं, और ये मत पूछो क्यों, बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ज़्यादा। इवन मैं हम शिमला आ चुके हैं, नारकंडा से मैं शिमला निकल गया था, मैंने रास्ते में कोई ब्लॉग नहीं बनाया, इवन मेरा फ़ोन और कैमरा दोनों की बैटरी डाउन हो चुकी थी। पता मैंने एक चीज़ नोट और करी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है ना, आपका बैटरी एंड फ़ोन की बैटरी एंड कैमरे की बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और बहुत जल्दी भी डाउन होती है। सो चार्ज मैंने चार्जिंग पे लगा रखा था, कोई वीडियो नहीं बनाई। अभी मैं आ चुका हूँ शिमला, और शिमला में अभी मैं मार्केट ही घूम रहा था, सामने माल रोड है और नीचे स्कैंडल पॉइंट है। अभी चलते हैं चर्च पे, अभी देखते हैं बनाते हैं, क्योंकि बहुत ठंड है यार, मन नहीं कर रहा जेब से पॉकेट से बाहर निकालूं हैं। चलो फिर भी ट्राई करूंगा मैं कुछ बेटर बना करके आपको फिर भी। वैसे तो ये व्यू मैं आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा कंप्लीट दिखा चुका हूँ, ये देखो यहाँ पे फ्लैग भी लगा हुआ है, वैसे बहुत ही अच्छा है। वो सामने चर्च है, आज यहाँ पे क्राउड कम है, कल ज्यादा था, बहुत ज्यादा कम क्राउड है आज। इवन ये भी है ना, कल संडे था, कल ही सब निकल गए होंगे ना नाइट में ही, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। ये देखो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी हो रही है, अभी इनसे पूछते हैं कितना चार्जेस ले रहे हो,
भैया कितने चार्जेस हैं यहाँ पे? चार्जेस कितने हैं इस पे? 100 रुपए। और कहाँ तक लेकर के जाओगे? क्या नाम है इनका? इसका नाम क्या है? बादल। इसका नाम पवन है, इसका नाम जिप्सी और इसका नैना। पवन, जिप्सी और नैना। करोगे राइट सर? नैना सुंदर है। नैना दिल्ली तक चलेगी? बहुत ही अच्छा है यार शिमला, सच्ची में। मैं पहले भी आ चुका हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो सारी दिखा चुका हूँ, और चर्च भी तो मैंने आपको दिखाई दिया, वो रहा मेरे पीछे। अच्छा, मैं मास्क उतारना भूल जाता हूँ वीडियो में, ठीक है। वैसे तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, आप देख सकते हो वो रहा मेरे पीछे चर्च। स्कैंडल पॉइंट में ऑलरेडी घूम के आ चुका हूँ, काफ़ी अच्छी लोकेशन है भाई साहब। व्यू तो बहुत ही अच्छा है, देखो बर्फ ही बर्फ, लेकिन ठंड बहुत है, बर्फ ही बर्फ है सब जगह।